खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर विवाद गहरा गया है। हरियाणा के बीजेपी के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि गांधी का नाम जुड़ने से खादी की दुर्गति हुई थी। विज ने कहा है कि अब धीरे धीरे नोटों से भी गांधी हटेंगे। हालांकि विवाद बढ़ता देख अनिल विज ने ट्वीट कर बयान वापस ले लिया। मकर संक्रांति के मौके पर शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के यहाँ चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार लालू की तरफ से बीजेपी के नेताओं को भी न्योता भेजा गया था। हालांकि बीजेपी ने इस न्योते को ठुकरा दिया और पार्टी का कोई भी नेता लालू के इस भोज में शामिल नहीं हुआ। अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नई डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड जारी कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं, जिससे इसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम बादल के खिलाफ लंबी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको बार बार पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ने की चुनौती दे रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केजरीवाल की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। समाजवादी पार्टी में नाम और निशान की लड़ाई के बीच हर रोज नया नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। दोनों खेमे एक दूसरे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते नजर आते हैं। शनिवार को भी इसका नजारा देखने को मिला और मुलायम सिंह यादव द्वारा लगवाई गई शिवपाल यादव के नाम की नेम प्लेट को एक बार फिर से हटा दिया गया है। उनकी जगह नरेश उत्तम की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नेम प्लेट लगा दी गई है। सांस लेने में दिक्कत महसूस होने पर 12 जनवरी को पटना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान को आज छुट्टी दे दी गई। पटना स्थित पारस अस्पताल के हृदय रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पूरी तरह स्वस्थ होने पर उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को उनकी टीवी शो क्वांटिको के सेट पर शूटिंग के दौरान मामूली चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एबीसी के निर्माता दल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 34 वर्षीय अभिनेत्री को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर आराम कर रही हैं। हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने की मोहम्मद अजहरुद्दीन की उम्मीदों को झटका लगा है। लोढ़ा समिति के सुधारवादी कदमों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरशद अयूब के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद 10 जनवरी को पूर्व भारतीय कप्तान ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे 14 जनवरी को एचसीए के रिटर्निंग ऑफिसर के राजीव रेड्डी ने खारिज कर दिया है। टीम इंडिया की सीमित ओवरों की टीम के नए कप्तान विराट कोहली ने अपने पूर्ववर्ती कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। विराट ने कहा है कि मैदान पर धोनी से सलाह लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। जब भी जरूरत महसूस होगी हमेशा उनकी राय जानने में पीछे नहीं हटूंगा। गुजरात ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के पांचवे और अंतिम दिन शनिवार को मौजूदा विजेता मुंबई को 5 विकेट से मात देते हुए पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया है। गुजरात को जीत के लिए चौथी पारी में 312 रनों की दरकार थी। कप्तान पार्थिव पटेल की अगुवाई में गुजरात ने 89.5 ओवरों में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल की।